हे गाइस वेलकम, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 2067 मूवी के बारे में। यस, ये मूवी का नाम है। ये अभी 2 अक्टूबर 2020 को रिलीज हुई है और ये एक साईफाई जॉनरे की कैटेगरी में आती है। और पहले रिव्यू की बात करें तो साईफाई फैंस के लिए हाईली रिकमेंडेड है ये मूवी। मुझे पर्सनली काफी पसंद आई, बट इसके रिव्यू काफी मिले जुले आ रहे हैं। कोई इसको 1 स्टार दे रहा है तो कोई 10 out of 10। ये सबके टेस्ट की बात होती है। सो मूवी पे आते हैं तो इसके टाइटल से ही पता चल रहा होगा मूवी फ्यूचरिस्टिक है। ये 2067 में मूवी स्टार्ट होती है और मूवी टाइम ट्रेवल पे बेस्ड है। तो चलिए छोटा सा इंट्रो देखते हुए शुरू करते हैं। एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो मूवी में सबसे पहले दिखाया जाता है कि ईयर 2055 चल रहा होता है और दुनिया की लगी पड़ी है और एक एक करके सारी कंट्रीज खत्म हो जाती हैं। सिर्फ त्रिवेदी बचता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया बचता है। और ह्यूमन काइंड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑक्सीजन होती है। दुनिया की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है, एकदम गायब। इसलिए सब मर रहे होते हैं और सरवाइव करने के लिए सबको एक कंपनी जिसका नेम होता है क्रोनिकॉर्प, इसके द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का यूज करना पड़ रहा होता है। पर ऑब्वियसली गरीब लोग ये ऑक्सीजन अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन के लिए क्राइम रेट काफी बढ़ गया होता है। और फिर क्रोनिकॉर्प कंपनी को रियलाइज होता है कि वो इतनी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे कि हर एक इंसान को बचाया जा सके। इसलिए डॉक्टर रिचर्ड व्हाइट और अदर साइंटिस्ट को हायर करते हैं जो कि एक मशीन बनाते हैं और ट्राई करते हैं कि फ्यूचर में किसी से कांटेक्ट कर पाए अगर कोई जिंदा बचाओ, और वो हमें बता पाए कि उन्होंने इस ऑक्सीजन पेंडेमिक को कैसे सरवाइव किया। और ये लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ये 2474 से इनको रेडियो वेव्स के थ्रू एक मैसेज आता है, बट मैसेज में लिखा होता है सेंड ईथन व्हाइट। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये ईथन व्हाइट कौन है और 400 साल बाद वाले बंदे को, फ्यूचर वाले बंदे को, इस इंसान से क्या चाहिए। तो ईथन व्हाइट इन्हीं डॉक्टर रिचर्ड व्हाइट का 8 साल का लड़का होता है। बट फिर कुछ टाइम बाद डॉक्टर रिचर्ड व्हाइट मिसिंग हो जाते हैं और ईथन की मॉम का ऑक्सीजन मास्क की वजह से मर्डर हो जाता है। बट ईथन को जूड एक स्ट्रेंजर होता है, वो इसको बचा लेता है और अब जूड इसकी देखभाल करता है, इसको बड़े भाई की तरह पालता है और फैमिली की तरह इसकी केयर करता है। और ये दोनों बड़े हो जाते हैं और अब ये 2067 होता है और ये दोनों अपनी लाइफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को सही करने में बिता रहे होते हैं ताकि सिटी में इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीजन फ्लो होती रहे। ये यहाँ पूरे जोश के साथ काम करते हैं क्योंकि ईथन की एक गर्लफ्रेंड होती है जेंथी, जिससे वो काफी प्यार करता है, बट वो सिक होती है और उसका कोई क्योर नहीं मिल रहा होता है क्योंकि इस प्लेनेट में अब कोई भी पेड़ पौधे नहीं होते। इसलिए ईथन अपने वर्क में काफी मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए ताकि वो जेंथी को सारे ऑक्सीजन मास्क प्रोवाइड कर सके। बट फिर एक दिन इन दोनों भाई को उसी क्रोनिकॉर्प कंपनी में बुलाया जाता है और उसकी हेड ईथन को बताती है कि उनको 474 साल आगे फ्यूचर से एक मैसेज रिसीव हुआ है, सेंड ईथन व्हाइट। आई नो आप काफी कंफ्यूज होगे कि ये बात तो काफी पुरानी है जब ईथन 8 साल का था, बट अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। बैक टू द स्टोरी, फिर ये कंपनी की हेड ईथन से बोलती है कि तुमको हम टाइम मशीन से टाइम में आगे भेजेंगे जैसा वहां के लोग चाहते हैं, और तुम उन लोगों से मिलोगे और पता करोगे कि सर्वाइव कैसे करें इस पेंडेमिक को। बट प्रॉब्लम ये होती है कि साइंटिस्ट बस ईथन को फ्यूचर में भेज सकते हैं, बट वापस आने का रास्ता उसे खुद ढूंढना पड़ेगा। और ऑब्वियसली ईथन डर जाता है और जाने से मना कर देता है क्योंकि उसको जेंथी की फिक्र होती है। बट जूड और जेंथी इसको समझाते हैं कि दुनिया को सेव कर सकते हो तुम, और फिर थोड़ी बहस के बाद ईथन मान जाता है फ्यूचर में जाने के लिए और ये रेडी होता है। और साइंटिस्ट इसको AI मशीन देता है, आर्ची, लाइक सिरी और कोर्टाना, और टाइम मशीन का यूज करके ईथन को फ्यूचर में फेंक देते हैं और ये आसमान से वहां गिरता है। पर इसको कुछ होता नहीं है इसके सूट की वजह से, लेकिन इसका सूट जल जाता है। और वहाँ ये जंगल में होता है तो ये काफी खुश होता है क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल रही होती है। और लगभग 400 साल बाद अर्थ ने अपने आप को वापस हील कर लिया होता है, बट वहाँ लिविंग लाइफ का ईथन को कोई नामो निशान नहीं मिल रहा, ना कोई एनिमल का ना कोई इंसान का। और ईथन का मेन पर्पस फ्यूचर में आने का ये होता है कि इसको अपनी गर्लफ्रेंड की लंग सिकनेस के लिए क्योर ढूंढना होता है। और इसको वहाँ एक स्ट्रेंज चीज दिखती है, इसको एक स्केलेटन पड़ा दिखता है जो कि यही होता है। उसके सूट में इसी का नेम लिखा होता है, ईथन व्हाइट, और हेड में बुलेट का होल होता है। पहले तो इसे बिलीव नहीं होता, बट ईथन के हैंड में एक रिस्ट बैंड होता है लाइक ओमनीट्रिक्स, जो कि इसके डैड ने इसे इस बर्थडे में गिफ्ट की थी, इसके हाथ में चिपका दी थी एक्चुअली। और ये रिस्ट बैंड कभी नहीं निकलता, ये इसके हैंड में बोन से जाके चिपक गया था। और ईथन को उस स्केलेटन के हाथ में भी सेम रिस्ट बैंड दिखता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि स्केलेटन इसी का है। बट इस मरे हुए ईथन के रिस्ट बैंड में ग्रीन लाइट जल रही होती है और जिंदा ईथन के बैंड में रेड लाइट। और जैसा इस जिंदा ईथन के पास एक आर्ची होता था, सेम इसके स्केलेटन के पास भी एक बहुत ओल्ड आर्ची होता है, बट वो वर्क कर रहा होता है। और ईथन उसमें लास्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनता है तो एक आदमी ईथन को मार रहा होता है और गन की आवाज आती है। और जैसे आपको इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा है, सेम ईथन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। बट
और फिर आर्ची की हेल्प से ईथन वहाँ सराउंडिंग में घूमता है और फिर रात में एक बेरी खा लेता है जो कि एक्चुअली एक पॉइजनस बेरी थी और ईथन को बहुत पेन होता है और वो काइंड ऑफ मरने लगता है। बट तभी आसमान से कुछ चमकता हुआ जमीन में गिरता है और एक आदमी आता है जो कि ईथन को मरने से बचा लेता है इसको एंटीडोट देके, और ये आदमी जूड होता है। ये एक्चुअली वही लैब से स्पेशली ईथन को मरने से बचाने के लिए फ्यूचर में आता है। और फिर ये दोनों आर्ची की हेल्प से एक बंकर में पहुंचते हैं और बंकर ईथन की आई चेक करके गेट ओपन करता है और ये दोनों अंदर जाते हैं और सिस्टम स्क्रीन में वेलकम ईथन वाइट लिखा होता है और बंकर ईथन के हाथ में लगे रिस्ट बैंड से डीएनए मैच करता है और ये बंकर एक्टिवेट हो जाता है और इसके रिस्ट बैंड की भी लाइट रेड से ग्रीन हो जाती है। और ये जगह एक्चुअली वही लैब होती है जहां पास्ट में इस टाइम मशीन रखी है। और अब इतना तो समझ गए कि ये बंकर सिर्फ ईथन की डीएनए से ही खुलता है, तो फिर वो फ्यूचर में मैसेज किसने भेजा इनको 2067 में, खैर। और जूड टाइम मशीन देख के खुश हो जाता है क्योंकि अब ये पास्ट में मतलब अपने टाइम में वापस जा सकते हैं। और फिर ईथन लैब के ओल्ड लॉक्स चेक करता है जिसमें उसके डैड के होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग्स होती हैं उसी दिन की जब इनको ये मैसेज रिसीव हुआ था सेंड ईथन वाइट वाला। और इसके डैड बताते हैं कि हम फ्यूचर में चीजें नहीं भेज सकते क्योंकि पावर सप्लाई की प्रॉब्लम होती है रिसिपिएंट वाली साइड में जहां अभी ईथन है, इनकी टाइम मशीन में प्रॉब्लम होती है। और तभी 2474 की लैब में 4 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है टाइम मशीन के चालू होने का और इन दोनों को वापस घर जाने का। बट तभी इस सिटी की पावर सप्लाई गायब हो जाती है और इनके पास 4 घंटे होते हैं इसको सही करने के लिए, वरना ये दोनों वापस नहीं जा पाएंगे अपने टाइम में। इसलिए इनको सिटी के न्यूक्लियर रिएक्टर को जाके सही करना होगा ताकि पावर वापस आ सके। और ये दोनों निकलते हैं और सिटी को जाके फर्स्ट टाइम देखते हैं तो ह्यूमन काइंड पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है, एक इंसान का नामो निशान नहीं होता है। और इथन पहले जेंथी के क्लासरूम जाता है जहाँ इसकी वाइफ का स्केलेटन और उसके स्टूडेंट्स के स्केलेटन पड़े होते हैं, तो इथन पूरी तरह से टूट जाता है। और एक्चुअली यहाँ से मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज स्टार्ट होती है जब इथन अपने सो कॉल्ड भाई से ही बहस करने लगता है, उस पे ही शक करने लगता है कि तुम यहाँ क्यों आए, कॉर्निकॉर्प कंपनी ने मेरी जान बचाने के लिए कोई मेडिक या कोई सोल्जर क्यों नहीं भेजा, उन्होंने तुमको क्यों भेजा। और फिर ईथन फिर से उस आर्ची की रिकॉर्डिंग सुनता है तो इसको रियलाइज होता है अदर पर्सन जो ईथन को गोली से मार देता है वो एक्चुअली जूड की ही वॉइस होती है। और जूड को कोई आइडिया नहीं होता है कि यहाँ क्या चल रहा है और जूड गन निकाल के ईथन के ऊपर तान देता है। अब ये गन कहाँ से आई, रियली व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। बट जूड ईथन से बोलता है कि वो गन तुमको मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ लाया है। और वो बोलता है कि हम दोनों ब्रदर्स हैं जब से तुम्हारे पेरेंट्स मर गए, तो ईथन कन्विंस हो जाता है। और फिर ये दोनों वापस अपने टारगेट पे फोकस करते हैं और पावर सेंटर की तरफ जाते हैं और थोड़ी प्रॉब्लम्स के बाद पावर सप्लाई सही कर देते हैं। और वापस आने के बाद इन दोनों भाई में फिर बहस होने लगती है क्योंकि ईथन को एक ही चीज खटक रही होती है कि उसकी बॉडी डेड बॉडी अभी तक यहाँ क्यों है। ईथन को ऐसा लग रहा होता है कि ये फेट है और इसका मरना तय है जूड के हाथों। बट जूड का स्टिल यही कहना होता है कि तुम पॉइजन से मर ही गए थे बट मैंने तुम्हें आके बचाया, तो फेट को धोखा दे चुके हैं हम। लेकिन ईथन का कहना होता है कि अगर फेट को धोखा दे चुके हैं हम तो उसकी डेड बॉडी को यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, मतलब हम सब जो कर रहे हैं वो ये मरा हुआ ईथन कर चुका है और एट लास्ट में मैं भी मर जाऊंगा और ह्यूमन काइंड भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को यहाँ कोई इंसान नहीं दिखा था और उस इंसान का भी पता नहीं चला था इनको जिसने सेंड ईथन वाइट का मैसेज पास्ट में भेजा था। और फिर ईथन और ओल्ड लॉग्स चेक करता है जिसमें इसको पूरी सच्चाई दिखती है कि डॉक्टर वाइट समझ जाते हैं कि कॉर्निकॉर्प की हेड के इरादे दुनिया बचाने के नहीं है, इसको सिर्फ अपनी और अपने कुछ लोगों की फिकर है और इसलिए वो फ्यूचर में जाके न्यू लाइफ शुरू करना चाहती है। और डॉक्टर वाइट उसके प्लान में साथ देने से मना कर देते हैं और ये हेड डॉक्टर वाइट को मार देती है और ईथन की मॉम को भी मरवा देती है। और जूड एक्चुअली में कॉर्निकॉर्प के लिए ही काम करता था और इसको ईथन का गार्डियन बना दिया गया था ईथन के पेरेंट्स के डेथ के बाद और केयर करने के लिए बोला गया था, क्योंकि ये कॉर्निकॉर्प की हेड जानती थी ईथन ही इन सब की है, उसी के डीएनए से लैब ओपन होगी। और ये देख इन दोनों भाई की काफी लड़ाई होती है और ईथन अपना प्लान बदल देता है यहाँ से वापस पास्ट में जाने का। और फ्लैशबैक में पास्ट के 2067 का सीन दिखाते हैं कि कॉर्निकॉर्प की हेड रेडी होती है ईथन के वापस आने के लिए और उसने कुछ लोग जमा कर लिए होते हैं जिनको ये फ्यूचर में ले जाने के लिए तैयार कर रही होती है और अपना तो खुद जाती ही। और इसका प्लान था जब ईथन यहाँ आएगा तो उसको गोली मार देंगे और हम फ्यूचर में चले जाएंगे। बट इस टाइम ईथन काइंड ऑफ समझ गया था कि अगर ये वापस गया तो वो लोग मुझे मार देंगे। बट जूड का कहना होता है वापस चलो, और अब जूड ईथन पे गन तान देता है को मारना ही वाला होता है क्योंकि वो प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा होता। बट ईथन जूड के लिए सच में छोटे भाई जैसा होता है और ईथन बोलता है कि हम दुनिया बदल सकते हैं, इसलिए जूड अपने आप को रोकने के लिए अपना ही भेजा उड़ा देता है ताकि वो ईथन को कुछ ना कर सके। और ईथन जाके स्क्रीन पे वही मैसेज टाइप करता है सेंड ईथन वाइट। जी हाँ, जिस आदमी को ये ढूंढ रहा था जिसने ये मैसेज भेजा होता है वो एक्चुअली यही होता है, इसी ने पास्ट में वो मैसेज भेजा था। आप सबने डार्क देखी होगी, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब कनेक्ट होते हैं।
और ये अपने आप को वापस अपने टाइम में भेजने की जगह पेड़ पौधे वापस पास्ट में भेज देता है, और वो रिकॉर्डिंग भी भेजता है जिसमें ये हेड मिस्टर वाइट को मार रही होती है, और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्योर भी भेजता है, और अपना फ्यूचर में अकेला रह जाता है, और अपने भाई को बरी करता है। और तब इसे रियलाइज होता है कि यहाँ बटरफ्लाई आ गई है, मतलब लिविंग थिंग, और इसकी डेड बॉडी का स्केलेटन भी अपने आप गायब हो जाता है, और ये भाग के उसी जगह जाता है जहाँ पहले सिटी तबाह दिख रही थी, बट अब वहाँ पर एकदम न्यू सिटी होती है और पूरी डेवलप्ड हो चुकी होती है, और ये 2474 होता है तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती है, और मूवी इसी पॉइंट में ख़त्म हो जाती है। अब मुझे पता है कि बहुत कंफ्यूजन होगी, तो मैं पूरी एंडिंग को शॉर्ट में और रियल फॉर्मेट में क्लियर कर देता हूँ। छोटा इथन और उसके पापा डॉक्टर वाइट, इन दोनों की फादर सन रिलेशनशिप बड़ी अच्छी होती है, बट डॉक्टर वाइट के पास और भी काम होते हैं, लाइक टाइम मशीन बनाने के और फ्यूचर में लोगों से कॉन्टैक्ट करने के, और ये सक्सेस भी हो जाते हैं। बट जब फ्यूचर से इनको फर्स्ट मैसेज आता है कि सेंड इथन वाइट, तो डॉक्टर टेंशन में आ जाते हैं और सबसे पहले जाके अपने बेटे के हाथ में वो रिस्ट बैंड चिपका देते हैं ताकि यही उस लैब को एक्टिवेट कर सके, और फिर इसकी फैमिली को मार देते हैं कॉर्निकॉप कंपनी वाले, क्योंकि मिस्टर वाइट उनके साथ काम करने से मना कर देते हैं। और इथन अब इस कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जूड को ये लोग इथन की परवरिश के लिए असाइन करते हैं और वो इसको सेफ रखता है, और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे टाइम मशीन से फिर फ्यूचर में 474 साल बाद भेजा जाता है ताकि वो इनकी हेल्प कर दे। बट एट लास्ट इथन को समझ आ जाता है कि कॉर्निकॉप के रियल इरादे कुछ और हैं, और इथन को प्लान के हिसाब से वापस आना होता है पास्ट में, बट ये नहीं जाता, और जूड अपने आप को इथन को मारने से रोकने के लिए खुद की जान ले लेता है। और अब बात आती है कि इथन का स्केलेटन वहां क्यों था और वो कहां गायब हो गया। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से कि उस कॉर्निकॉप की हेड ने बोला था कि जब इथन टाइम मशीन से इस टाइम में वापस आए तो उसको शूट कर देना और यहीं छोड़ देना, और हम सब फ्यूचर में न्यू लाइफ स्टार्ट करने चले जाएंगे। तो एक अल्टरनेट रियलिटी के बारे में सोचो कि अगर इथन प्लान के हिसाब से पास्ट में यानी 2067 में वापस आ जाता तो ये लोग सबसे पहले उसको शूट कर देते और यहाँ छोड़ देते। तो ऐसा ही हुआ था, एक फ्यूचर वाला इथन पास्ट में चला गया था और उसको शूट करने के बाद इन लोगों ने यहीं छोड़ दिया था, इसलिए उसका स्केलेटन यहीं पड़ा था 400 साल बाद भी, क्योंकि मूवी में कहीं भी ये कंफर्म नहीं किया गया है कि जूड ने ही इथन को मारा था। यहाँ तक उसने आर्ची में अपनी और जूड की फाइट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखी थी, बट गन शॉट वाला सीन वो नहीं देख पाया था, उसको हाइड कर दिया गया था, सिर्फ गन शॉट की साउंड सुनी थी। तो मुझे तो बस यही एक्सप्लेनेशन समझ आया। लेकिन अब बात की, अगर ऐसा हुआ था तो ये सब लोग कॉर्निकॉप वाले फ्यूचर में आ गए होंगे, बट इनका तो यहाँ कोई नामो निशान नहीं मिला, तो शायद ये लोग यहाँ आके भी सेटल नहीं हो पाए, मतलब जीना नहीं सीख पाए, और या फिर ये टाइम मशीन से यहाँ कभी आ ही नहीं पाए। और देन मूवी की एंडिंग में इथन खुद पास्ट में जाने की बजाय पेड़ पौधे और प्रूफ भेज देता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग कॉर्निकॉर्प की हेड को मुजरिम बना लेते हैं, और अब मेन इविल पर्सन तो चली गई होती है, और बाकी जो समझदार लोग होते हैं उन्होंने उन पेड़ पौधों से जो इथन ने इन्हें भेजे थे उनसे और नया पेड़ बनाए होंगे और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को दूर कर लिया होगा, और इसीलिए लास्ट में इथन का स्केलेटन गायब हो जाता है, क्योंकि जब वो पास्ट में गया ही नहीं तो उसको शूट नहीं किया गया और इसीलिए उसका स्केलेटन नहीं था वहाँ। और पूरी सिटी एकदम से डेवलप हो गई थी, कॉस्ट 2067 से 2475 हो गया था, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा डेवलप कर गई होगी। और मेन पॉइंट कि आखिर वो मैसेज फ्यूचर से इथन ने पास्ट में क्यों भेजा था, तो ये भी सिंपल है, क्योंकि वो जानता था वो जिसको ढूंढने फ्यूचर में आया था, जिसने ये मैसेज भेजा था, वो ये खुद ही था। तो अगर ये पास्ट में मैसेज ना भेजता तो ये सब होता ही ना, जो अभी ये हो रहा है। और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कनेक्ट होते हैं तो कोई और ही अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट हो जाती, इसीलिए इसको वो मैसेज भेजना ही पड़ा। फाइनली खत्म। सो गाइस, आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा। कमेंट करके बताना कैसी वीडियो लगी, एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, एंड सपोर्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो सी यू सून, बाय बाय।